So hi, how are you? Actually, I'm super excited about this video because in this video, I'm going to share very useful and very interesting knowledge with you. तो देखो इस वीडियो में आपको कितनी बढ़िया नॉलेज मिलने वाली है। और सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग कि आप लोग भी सोच रहे हो गए, जो लोग मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर और आप मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली, आप सोच रहे हो गए इसको क्या हो गया है, डांस वीडियो बनाते बनाते ये कौन सी वीडियो बना रहा है। एक्चुअली यार मेरे बैचेस स्टार्ट हो गए ना, नया सेशन शुरू हो गया, कॉलेज भी ज्वाइन करने वाला हूँ, चार चार बैचेस भी कर लिए हैं, उनमें पढ़ा पढ़ा के भाई शाम को या दिन में इतनी एनर्जी अब मेरे अंदर नहीं बचती है कि मैं डांस भी करूं। हालांकि आई लव डांस, प्रैक्टिस करता रहता हूं, बट फिलहाल अभी इतना टाइम है, इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही यार। तो देखो फिलहाल आपके वीडियो तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, कीप इट अप, एंड आप सक्सेसफुल भी जरूर हो गए क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, काफी अच्छे डांस वीडियोज बनाते हो, मुझे अच्छे लगते हैं। बट मैं क्या बताने जाता हूँ, हाँ आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूँ, यूनिक चीज, जिसको किसी के सामने बोलोगे ना वो भी कहेगा हाँ यार नॉलेज तो अच्छी है, क्योंकि आप वीडियोस बनाते हो तो इतनी पढ़ाई तो नहीं टाइम मिल पाता है, ऊपर से आपका कोर्स और कोचिंग वगैरह भी होगा ना, तो टेंशन ना लो, आपके लिए मैं हूं ना यहाँ पे, आपके साथ नॉलेज मैं शेयर करूंगा और आप लगे रहो आराम से और देखो आप 100% लाइफ में सक्सेसफुल हो गए यार। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये, जो भी आप किसी को देते हो प्राइस के रूप में, स्कूल वालों को, ट्यूशन वालों को, किसी को भी, वो क्या होता है, फी होता है कि फीस होता है? कुछ लोगों को लगता है कि फी, कुछ को लगता है कि फीस, एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि फी इंग्लिश है और फीस हिंदी है, पता नहीं क्या रायता फैला दिया, नॉलेज कैसा नहीं है भाई, क्लियर करो। जब किसी को एक बार देते हो ना वो होता है फी, यानी कि फी इज अ सिंगुलर नाउन, जो बार बार देनी पड़े वो होती है फीस, फीस इज अ प्लूरल नाउन। जैसे कि कोई पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, एक बार देना है ना अमाउंट, तो वो हो जाएगी फी। बार बार जो देते हो ना रेगुलर, जैसे कि स्कूल में या